लिखिए स्टूडेंट डिफिनेशन, एज इंडिकेटेड बाय द क्लास नेम कार्बोहाइड्रेट, एज इंडिकेटेड बाय द क्लास नेम कार्बोहाइड्रेट आर द हाइड्रेट ऑफ कार्बन। ये पहला पॉइंट है, ठीक है। एज द इंडिकेटेड बाय क्लास नेम कार्बोहाइड्रेट आर द हाइड्रेट ऑफ कार्बन, बट इसी में कंटिन्यू, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट ऑल हाइड्रेट ऑफ कार्बन आर नॉट कार्बोहाइड्रेट। ऑल हाइड्रेट ऑफ कार्बन आर नॉट कार्बोहाइड्रेट। और इसका मतलब क्या हुआ, यहां देखना है, इसका मतलब यह हुआ कि कार्बोहाइड्रेट का मतलब कार्बोहाइड्रेट को हाइड्रेट ऑफ कार्बन होना पड़ेगा, बट इसका रिवर्स हो भी सकता, नहीं भी हो सकता है। ऑल हाइड्रेट ऑफ कार्बन इज नॉट कंपल्सरी टू बी ए कार्बोहाइड्रेट। इसलिए कार्बोहाइड्रेट होने के लिए हाइड्रेट ऑफ, अपार्ट फ्रॉम हाइड्रेट ऑफ कार्बन, सम एक्स्ट्रा एसेंशियल फीचर हो रहना पड़ेगा। करेक्ट है एवरीवन? नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, फॉर ए हाइड्रेट ऑफ कार्बन टू बी कार्बोहाइड्रेट, फॉर ए हाइड्रेट ऑफ कार्बन टू बी कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट से जेई मेन में तो आता है, एडवांस तक क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इसको ध्यान से देखना है। फॉर ए हाइड्रेट ऑफ कार्बन टू बी कार्बोहाइड्रेट फॉलोइंग अ स्ट्रक्चरल फीचर आर इसेंशियल, फॉलोइंग अ स्ट्रक्चरल फीचर आर इसेंशियल। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ देखिएगा, नॉमनक्लेचर में अगर एल्डिहाइडी ग्रुप है और किट और OH ग्रुप है तो किसके अकॉर्डिंग नंबरिंग कीजिएगा पहले? एल्डिहाइड को सोचकर, कीटो ग्रुप है और OH ग्रुप है तो किसको सोचकर दिमाग में कीजिएगा नॉमनक्लेचर? RIPT पहले कीटो, इसका नंबरिंग के लिए हम लोग पहले कीटो को देखेंगे, राइट? तो अगर कहीं पर मैं बोलूँगा कि कीटो ग्रुप शुड बी एट सेकेंड पोजिशन, तो सेकेंड पोजिशन का मतलब नंबरिंग में 1, 2, 3, 4 वाला है, ठीक है, करेक्ट है ना? पहला पॉइंट लिखिए, देयर शुड बी मोर देन वन OH ग्रुप, देयर शुड बी मोर देन, अब जैसे ही बोल दिया कि देयर शुड बी मोर देन वन OH ग्रुप, इसका मतलब पॉलीहाइड्रोक्सी होना चाहिए, इट मीन्स कार्बोहाइड्रेट शुड बी पॉलीहाइड्रोक्सी। करेक्ट है ना? नेक्स्ट फीचर, देयर शुड बी एटलीस्ट वन एल्डिहाइडिक और कीटो ग्रुप प्रेजेंट, देयर शुड बी एटलीस्ट वन एल्डिहाइडिक और कीटो ग्रुप शुड बी प्रेजेंट। इसका मतलब एल्डिहाइडिक ग्रुप और कीटो ग्रुप में कोई ना कोई उसमें रहना पड़ेगा, और सिर्फ उसी को रहने से हो जाएगा या अपार्ट फ्रॉम दैट OH भी रहना पड़ेगा? OH सिर्फ एक रहना पड़ेगा या दो या दो से ज़्यादा? टू और मोर देन टू, राइट? मतलब मोर देन वन हो गया तो दो रहेगा, तीन रहेगा, ऐसा रह सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, कीटो ग्रुप शुड बी एट सेकेंड पोजिशन। ये सेकेंड पोजिशन बोलने का क्या मतलब है एवरीवन? जो नंबरिंग करेंगे ना, तो उसमें नंबरिंग में सबसे पहले RIPT कीटो ग्रुप को ही लेंगे, तो मैं कॉन्क्रीट रिजल्ट देने के लिए सेकेंड पोजिशन बोल दिया। एल्डिहाइडी ग्रुप को ये बोलने का कोई मतलब रहेगा कि एल्डिहाइडी ग्रुप शुड बी प्रेजेंट एट सेकेंड फर्स्ट पोजिशन? नंबरिंग तो वहाँ से स्टार्ट ही करते हैं, राइट भाई? एल्डिहाइडी ग्रुप रहेगा और OH ग्रुप रहेगा तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट कीजिएगा? एल्डिहाइडी कार्बन से, एल्डिहाइडी कार्बन से, राइट? चलिए लिखिए, एक्सेप्ट द कार्बन, नेक्स्ट फीचर, एक्सेप्ट द कार्बन ऑफ एल्डिहाइडिक और कीटो ग्रुप, एक्सेप्ट द कार्बन ऑफ एल्डिहाइडिक और कीटो ग्रुप अदर कार्बन मस्ट कंटेन एटलीस्ट वन OH ग्रुप,
अदर कार्बन मस्ट कंटेन एटलीस्ट ओ वन ओ एच ग्रुप। अब वन बाय वन एग्जाम्पल लेते हैं, इसका मतलब क्या आप ये बात बोल सकते हैं एक लाइन का कंक्लूजन कि कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। इतना पॉइंट जानने के बाद कंक्लूजन में लिखी तो कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन, कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन। और यहां देखिए तो कार्बोहाइड्रेट का पहला लाइन क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स शुड बी हाइड्रेट ऑफ कार्बन। तो हाइड्रेट ऑफ कार्बन का मतलब इस फार्मूला को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, आया ना, देखने से लगना चाहिए कि हाइड्रेट ऑफ कार्बन है, करेक्ट। बट यहां पे एक्स और वाई इक्वल हो भी सकता, और इसलिए मैंने एक्स और वाई अलग अलग लिखा, ठीक है। तो देखिए तो ये क्या है, इसको हम लोग क्या हाइड्रेट ऑफ कार्बन बोल सकते हैं, सी वन हाइड्रोन कितना है, चार ना, ये इस फार्मूला को सर्टिफाई कर दिया है, बट क्या ये कार्बोहाइड्रेट है? तो सर ये हाइड्रेट ऑफ कार्बन है, ये हाइड्रेट ऑफ कार्बन है, बट इसको कार्बोहाइड्रेट बोलना सही नहीं है। इंक नहीं है, पकड़ो। इसका मतलब एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है स्टूडेंट, लेकिन क्या इसको हाइड्रेट ऑफ कार्बन बोल सकते हैं? तो ऑब्जेक्टिव ऐसे आ जाएगा, दिस कंपाउंड इज, पहला ऑप्शन हाइड्रेट ऑफ कार्बन, दूसरा ऑप्शन कार्बोहाइड्रेट, सी बोथ, डी नन ऑफ दिस। तो ऐसा नहीं कि हाइड्रेट ऑफ कार्बन समझ के कार्बोहाइड्रेट मिला दीजिए, ये हाइड्रेट ऑफ कार्बन है बट कार्बोहाइड्रेट नहीं है। देखिए तो एक कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट तो नहीं है। हाइड्रेट ऑफ कार्बन एक बार चेक कर लेते हैं, तीन कार्बन है, और ऑक्सीजन कितना है, तीन ना, तो वाटर अगर मैक्सिमम फार्मूला में डालिएगा तो तीन बनेगा, नहीं लगता है? उसके बाद भी दो हाइड्रोजन बचा रह गया, इसका मतलब कंप्लीट हाइड्रेट ऑफ कार्बन भी नहीं है, करेक्ट। अगर कंप्लीट हाइड्रोजन यहाँ इस फार्मूला में सेट हो जाता तो इसको हाइड्रेट ऑफ कार्बन एटलीस्ट बोल सकते थे, इसका मतलब इस कंपाउंड को ना ही आप कार्बोहाइड्रेट बोल सकते हैं और ना ही हाइड्रेट ऑफ कार्बन बोल सकते हैं। इतना बात समझ में आ गया? इसका तो ये फार्मूला बनाने के बाद अगर हाइड्रोजन बचा रह जाए तो जब वो हाइड्रेट ऑफ कार्बन ही नहीं बन रहा था, कार्बोहाइड्रेट तो दूर की बात है, करेक्ट। इसका मतलब है कि ये हाइड्रेट ऑफ कार्बन भी नहीं है। यहां तक आइए, यहाँ देखिए तो स्टूडेंट
इसको क्या हम लोग कार्बोहाइड्रेट बोल सकते हैं? इस एग्जांपल को, थर्ड एग्जांपल जो ले रहे हैं, सबसे पहले फार्मूला चेक करके देखते हैं। C3 और ऑक्सीजन तो है 3, तो 3 वाटर मॉलिक्यूल बनेगा। क्या सारा हाइड्रोजन खत्म हो गया? तो पहले तो ये हाइड्रेट ऑफ कार्बन है, तो पहला फीचर को तो इसने सर्टिफाई कर दिया, बट इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि ऑल हाइड्रेट ऑफ कार्बन इज कार्बोहाइड्रेट। तो बाकी जो इसेंशियल फीचर था उसमें क्या सर्टिफाई कर रहा है? तो पॉलीहाइड्रोक्सीअल्डिहाइड और कीटोन कैन बी कार्बोहाइड्रेट। तो एक अल्डिहाइडी ग्रुप भी है और इसको छोड़कर 2 कार्बन बचा, और अल्डिहाइडी का कीटो ग्रुप को छोड़कर बाकी जितना कार्बन है उस पर OH ग्रुप होना पड़ेगा, एटलीस्ट 1। तो उसमें यहाँ पे क्या है, कितना OH है, 1 है या 2 है? तो मोर देन 1 है। इसका मतलब ये कार्बोहाइड्रेट भी है, करेक्ट एवरीवन? यस। क्या इसको कार्बोहाइड्रेट बोलेंगे? क्यों नहीं बोलेंगे? ओनली ये पॉलीहाइड्रोक्सी नहीं बन पाया, राइट? ये हाइड्रेट ऑफ कार्बन है या नहीं है? इस फार्मूला को सेटिस्फाई कर रहा, तो इसको आप हाइड्रेट ऑफ कार्बन में काउंट कर सकते हैं, ठीक है? बट इसको कार्बोहाइड्रेट में काउंट नहीं कर सकते हैं। What about this one? 1, 2, 3, 4, 4, 1, 2, 3। देखिए तो ये तो इस फार्मूला को तो सेटिस्फाई कर दिया, इसका मतलब मैक्सिमम इसको क्या बोल सकते हैं? ये हाइड्रेट ऑफ कार्बन है, बट क्या कार्बोहाइड्रेट है? देखिए, इट इज हाइड्रेट ऑफ कार्बन बट नॉट कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट एग्जांपल, ये हाइड्रेट ऑफ कार्बन है या नहीं है? क्यों नहीं है भाई? मतलब कार्बोहाइड्रेट नहीं है, क्लियर कट, राइट? क्योंकि पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन तो है, बट कीटो ग्रुप शुड बी एट सेकेंड पोजीशन, जो कि सर्टिफाई नहीं कर रहा है, तो ये कार्बोहाइड्रेट से हम लोग नहीं बोले। एक कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है? जब कार्बोहाइड्रेट है तो हाइड्रेट ऑफ कार्बन होगा ही होगा। ऑल हाइड्रेट ऑफ कार्बन आर नॉट कार्बोहाइड्रेट, बट ऑल कार्बोहाइड्रेट आर हाइड्रेट ऑफ कार्बन, करेक्ट ना? समझ में आया मैंने क्या बोला एवरीवन? क्या बोला भाई? ऑल हाइड्रेट ऑफ कार्बन मे और मे नॉट बी कार्बोहाइड्रेट, बट ऑल कार्बोहाइड्रेट आर मस्ट बी हाइड्रेट ऑफ कार्बन, करेक्ट?
ये कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है? यस, क्योंकि नंबरिंग जब करेंगे, जानबूझ के मैंने ऐसे नीचे करके लिख दिया, ठीक है, इसको उल्टा कर देंगे मॉलिक्यूल को, करेक्ट, क्योंकि लैब में जब मॉलिक्यूल रहेगा तो ऐसे थोड़े है, ये ऊपर नीचे ऐसे हो सकता है, बट हम लोग जब नंबरिंग करेंगे तो जब फीसर प्रेजेंटेशन में इसको दिखाना स्टार्ट करेंगे तो इसको हम लोग सीधा करके ऐसे लिखेंगे, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो यहाँ पे सेकेंड पोजिशन पर कीटो ग्रुप है, तो आपको हो सकता है चकमा देने के लिए, कन्फ्यूज करने के लिए ऐसे दे दिया जाए, ठीक है। तो इसको भी हम लोग किसमें काउंट करेंगे एवरी वन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, क्योंकि हम लोग कीटो ग्रुप का ही पहले प्रेफरेंस देंगे नंबरिंग में। तो मुझे लगता है कि आप कार्बोहाइड्रेट को आप पहचान लीजिएगा, करेक्ट, हो पाएगा? अब ध्यान सुनिएगा, देखिए स्टूडेंट, जैसे हम लोग एस्टर का हाइड्रोलिसिस करते हैं, क्या मिलता है, एसिड एंड अल्कोहल, करेक्ट है ना? तो वैसे ही किसी कंपाउंड, तो आज के बाद समटाइम्स ऐसा भी कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, समटाइम्स नहीं है, डेली रूटीन में हम लोग का है जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि खाना सुबह शाम तक खाते हैं तो उसको कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, राइट, बट इनडायरेक्टली हम लोग सबसे पहले ग्लूकोज इनहेल करते हैं, सॉरी सुक्रोज, और सुक्रोज और उसके बाद पानी पीने के बाद हाइड्रोलिसिस होकर वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में ब्रेक होता है और उससे हम लोग को एनर्जी मिलते रहता है, करेक्ट। तो सो मेनी टाइम्स आपको ऐसा भी कार्बोहाइड्रेट देखने को मिलेगा जिसमें आपको एल्डिहाइडिक और कीटो ग्रुप नज़र नहीं आएगा, करेक्ट है ना एवरीवन? बट आफ्टर हाइड्रोलिसिस जो मिल रहा है कंपाउंड, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कोई कंपाउंड ए लिया, हाइड्रोलिसिस किया, बी और सी मिला, एक मिनट, एंड इफ बी एंड सी सेटिस्फाई ऑल कंडीशन फॉर कार्बोहाइड्रेट, अगर बी और सी जो हम लोग लिखवाए हैं वो सारे कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब बी और सी क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। तो इफ बी एंड सी सेटिस्फाई ऑल कंडीशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, देन ए मस्ट बी कार्बोहाइड्रेट, कैन बी नहीं, देन ए इज ऑल्सो कार्बोहाइड्रेट, करेक्ट, इवन इफ इन कंपाउंड ए देर इज नो कीटो ग्रुप और एल्डिहाइडिक ग्रुप, करेक्ट, मतलब इनडायरेक्टली इसमें कीटो ग्रुप और एल्डिहाइडिक ग्रुप नजर नहीं आएगा, लेकिन जब इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो जो कंपाउंड मिल रहा है उसमें कीटो ग्रुप और एल्डिहाइडिक ग्रुप रहेगा और बी और सी सेटिस्फाई कर रहा है ऑल कंडीशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। और इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है सुक्रोज, सुक्रोज का स्ट्रक्चर देखिएगा तो उसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप और कीटो ग्रुप नजर नहीं आएगा, जिसको जब उसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलता है, करेक्ट है ना? इसलिए इस टाइप का भी क्वेश्चन आएगा जिसमें डायरेक्टली आपको एल्डिहाइडिक और कीटो ग्रुप नहीं मिलेगा, और फिर भी अगर एग्जांपल में दिया रहेगा पहचानने के लिए तो नहीं होते हुए उसका हाइड्रोलिसिस करके देखना है, करेक्ट, और हाइड्रोलिसिस कैसे होगा वो मैं यहाँ पर सिखाऊंगा कि कैसे रिएक्शन होगा, वो सुक्रोज का रिएक्शन का पार्ट है। तो अगर वो आफ्टर हाइड्रोलिसिस वैसा कंपाउंड प्रोड्यूस करता है जो 100% कार्बोहाइड्रेट है, इसका मतलब एक कंपाउंड भी क्या रहेगा, कार्बोहाइड्रेट। सबको ये बात समझ में आ गया मैंने क्या समझाने की कोशिश किया? लिखिए इस एग्जांपल के नीचे लिखेगा, इफ बी एंड सी सेटिस्फाई ऑल कंडीशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, इफ बी एंड सी सेटिस्फाई ऑल कंडीशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट,
देन ए मस्ट देन ए इज ऑल्सो ए कार्बोहाइड्रेट, देन ए इज ऑल्सो ए कार्बोहाइड्रेट इवन इफ इन ए नो एल्डिहाइडिक और कीटो ग्रुप प्रेजेंट, इवन इफ इन ए नो एल्डिहाइडिक और कीटो ग्रुप प्रेजेंट। सही है ना यहाँ तक? हाइड्रोलिसिस करने के लिए जनरली एस कैटलिटिक अमाउंट ऑफ एस प्लस वाटर लेते हैं। सुक्रोज में अगर एक करेंगे, इसका रिएक्शन दिखाऊंगा बाद में, तो ग्लूकोज मिलता है और फ्रक्टोज मिलता है। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज तो कार्बोहाइड्रेट हो गया, बोथ आर, ये हम लोग सबको पता है, करेक्ट है ना? तो अगर बोथ आर कार्बोहाइड्रेट तो यहां से इंप्लाई क्या हो गया, देन सुक्रोज इज ऑल्सो कार्बोहाइड्रेट। देख लीजिए, अब यहां देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट, जितना भी कार्बोहाइड्रेट दिखाई पड़ता है उसके नाम में एक तीन जो लास्ट में लेटर आता है उसे ही हम लोग पहचान लेते हैं कार्बोहाइड्रेट है। हर कार्बोहाइड्रेट के नाम में लास्ट में ओ ए सी आएगा, ओज आया ना, दो चार बार नाम बोलिए, दो चार का, सुक्रोज लास्ट में ओज, ग्लूकोज लास्ट में ओज, फ्रक्टोज लास्ट में ओज, माल्टोज लास्ट में ओज, राइट, सेलुलोज लास्ट में ओज। इसका मतलब जिसके लास्ट में ओ ए सी आ रहा है तो वहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं, दी आर द एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, कार्बोहाइड्रेट, करेक्ट। तो लिखिए एक लाइन, सफिक्स फॉर दिस फैमिली ऑफ कंपाउंड इज ओज, सफिक्स फॉर दिस फैमिली ऑफ कंपाउंड इज व्हाट, ओज। ये तो पहला पॉइंट हो गया, करेक्ट। अब यहां देखना है, लेकिन अगर उस कार्बोहाइड्रेट में एल्डिहाइडी ग्रुप रहेगा तो उसको हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, एल्डोज, इफ इफ सी एच ओ ग्रुप प्रेजेंट। और अगर कीटो ग्रुप प्रेजेंट रहेगा तब क्या पढ़ेंगे भाई, कीटोज। इसका मतलब इसका दो क्लासिफिकेशन हो गया कार्बोहाइड्रेट का, ऑन द बेसिस ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप एंड कीटो ग्रुप, एल्डोज कीटोज, करेक्ट है ना? मैंने बोला कि इस फैमिली का सफिक्स ओज रहेगा, ओ ए सी लास्ट, सफिक्स प्रीफिक्स नहीं, लास्ट में ओज लगा हुआ रहेगा, लाइक ग्लूकोज, राइट, लास्ट में ओ ए सी। सब सारे कार्बोहाइड्रेट लास्ट में ओज तो मिलता ही होगा ना, आप लोग इतना बायो में पढ़े हैं, कार्बोहाइड्रेट आता है या नहीं आता है? अब वो तो देखिए, अब एक्चुअली मेडिसिन पे जो नाम लिखा रहता है वो कंपनी अपना थोड़ा मॉडिफाई करके अपने एक और नाम देता है, उसमें एक्चुअल कंपाउंड कुछ और रहता है, बट वो नाम होता है ना थोड़ा सा अलग से नाम से, पैरासिटामोल अब या सीनारेस्ट नाम दे दिए, अब उसका कंपोजिशन देखिएगा तो उसमें अलग कुछ रहता है, नाम एक दे दिया गया है, समथिंग लाइक दैट, करेक्ट। अब ग्लूकोन बोलते रहते हैं, एक्चुअल तो ग्लूकोज है, चलिए
तो ये क्या है, एल्डोज है या कीटोज है? तो इसका नाम रहेगा एल्डो ट्राइओज। क्या नाम रहेगा? अ ट्राई स्टैंड फॉर व्हाट? तीन कार्बन। तो ये तो इसका नाम हुआ ना, लेकिन ऐसे अगर इसका IUPAC, ये तो एल्डो ट्राइओज हो गया कार्बोहाइड्रेट के टर्म में, करेक्ट है ना एवरीवन? बट ऐसे इसका IUPAC नेम पूछा जाएगा तो क्या बोलिएगा? 2,3 डाइहाइड्रोक्सी प्रोपेनल, करेक्ट है ना? 1,2,3 डाइहाइड्रोक्सी प्रोपेनल। इन सब का नाम लिखते रहिए। ये तो क्या बोलेगा, एल्डो लिखना है, एल्डो टेट्राओज बोलना भी है और लिखना भी है। इलिप्स का क्लास में क्यों नहीं ज्वाइन करते हैं भाई श्यामना? कुछ तो एग्जांपल देखकर प्रैक्टिस हो जाएगा, टीचर के साथ चलिए। कभी कभी प्रॉब्लम सुनते सुनते कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, फिर से आप वही काम मत कीजिए। ज्वाइन करना चाहिए था ना, ठीक है? मतलब तबीयत खराब है तो हेल्थ को लेकर तो कोई इशू नहीं है, कुछ कमेंट भी नहीं है। बट देखिए, मेरा एक ही इंटेंशन है, बहुत सारे बच्चों का ये डिमेरिट में देखता हूँ, अगर वो एक बार पढ़ लिया ना तो दोबारा पढ़ना ही नहीं चाहते हैं, मतलब उस चीज़ों से बोर होने लगते हैं। अब पहला बार तो आप सीखने के लिए सीख रहे थे, उस टाइम पे थोड़े स्पीड बनेगा भाई, एक मौका मिला है तो देखा हुआ चीज़ को दोबारा देखिए, तिबारा देखिए। नहीं लगता कि सेकेंड टाइम करते करते थोड़ा स्पीड अप हो जाते हैं? बोर होना मत सीखिए, एक चीज़ को 10 बार। सारे चीज़ें मुझे थोड़ा है कि रटने से, इंटेंशनली रटा नहीं गया, पढ़ाते 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 या रिवीजन करते करते याद होना स्टार्ट होता है, इसलिए रिवीजन ही आपको स्पीड बढ़ाएगा, क्योंकि आपके पास नॉलेज है। लेकिन देखते नहीं, अभी जैसे अभी मैं कोई रिएक्शन पूछता हूँ 12th क्लास के बच्चों से तो खोजने लगते हैं, ऐसा क्यों है? क्योंकि वो फर्स्ट टाइम सिर्फ पढ़ के रखे हैं, सेकेंड टाइम शॉर्ट नोट्स के टाइम पर पढ़ेंगे, थर्ड टाइम मेरे साथ हर चैप्टर का इंडिविजुअल प्रॉब्लम रिएक्शन बनाएंगे, तो ऐसे करते 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 याद हो जाएगा। ऐसे तो एक बार में ऑर्गेनिक का रिएक्शन आपके पकड़ में नहीं आएगा, GOC तक पकड़ में आ जाएगा, रिएक्शन आपके पकड़ में नहीं आएगा। तो ऐसे ही कोऑर्डिनेट के साथ ही भी है भाई, कोऑर्डिनेट फुल ऑफ कॉन्सेप्ट है, कोऑर्डिनेट को अलजेब्रा से कंपेयर करेंगे क्या? कोऑर्डिनेट का जस्ट लाइक फिजिक्स है, तो उसमें तो प्रॉब्लम टीचर जितना करवाते हैं ना, तो प्रॉब्लम जब करवाते रहते हैं तो रिविजन हो रहा है थ्योरी का, तो उस टाइम पे जो अगर प्रॉब्लम क्लास चल रहा है तो सोच के मच मोर इंपॉर्टेंट है, थ्योरी चल रहा है तो चलो एकाध क्लास छोड़ देते हैं कर लेंगे, कि थ्योरी में आप कंक्लूजन फार्मूला कलेक्ट कर रहे हैं, बट प्रॉब्लम डिस्कशन में तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रॉब्लम डिस्कशन कभी भी कोई टीचर करते हैं बिल्कुल मत छोड़िए, आपको थोड़े पता है कौन सा अच्छा क्वेश्चन था कौन सा खराब था, टीचर तो हर लेवल का क्वेश्चन लेना स्टार्ट करेंगे, ईजी से ईजी और टफ से टफ लेंगे। ये सिर्फ मेरा समस्या नहीं है, बाकी भी जो अच्छे टीचर हैं उनसे भी जब कभी कभी मुझे बात होती है तो बोलते हैं कि प्रॉब्लम डिस्कशन के टाइम पे या असाइनमेंट डिस्कशन जब करना रहता है ना, बच्चे छोड़ देते हैं, जब थ्योरी जब टीचर जब प्रॉब्लम सॉल्व करते रहते हैं, थ्योरी पढ़ाते रहते हैं, सारे अटेंड करते हैं। बट मुझे लगता है कि दोनों का इक्वल वेटेज है, थ्योरी भी जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम डिस्कशन है। इसका क्या नाम बोलिएगा? एल्डो जल्दी से बोलिए, इसका नाम क्या बोलिएगा? अच्छा मतलब सर, इसका नाम नाम तो बढ़ेंगे, IUPAC नेम नाम तो होगा ही, 2-hydroxyethanol राइट? इसका नाम होगा लेकिन एक कार्बोहाइड्रेट वाला नाम नहीं इसको दे सकते हैं, एल्डो डायोज मत बोल दीजिएगा, ठीक है?
क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है, दिस इज नॉट ए कार्बोहाइड्रेट। ऐसे नाम कोई पूछेगा कि नाम आईयूपीएसी नाम क्या होगा, तो नाम लिख सकते हैं 2-hydroxyethane। इसका मतलब है कि सर अब एल्डोज का नॉमिनिक्लेचर हम लोग से हो जाएगा, राइट? यही रहे, इसका मतलब एल्डोज कहाँ से स्टार्ट होगा? ट्राई से नहीं, डाई से नहीं स्टार्ट होगा, कहाँ से ट्राई हो? उसके लिए एटलीस्ट 3 कार्बन होना पड़ेगा। तो क्या बोलेंगे? एल्डो ट्राइओज, एल्डो बोलिए, एल्डो टेट्राओज, एल्डो पेंटाओज, एल्डो हेक्सोज। पेंटाओज मतलब पेंटोज भी बोल सकते हैं, ठीक है? और मैक्सिमम 6 तक से ही आपका काम चल जाएगा। इसका नाम क्या होगा? कीटो ट्राइओज। कीटो टेट्राओज। इसका नाम क्या रहेगा? कीटो लिख लीजिए, कीटो हेक्सोज। अब लिखिए क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। देखिए किसी चीज़ का क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसका अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू के वजह से भी क्लासिफिकेशन करते हैं। यहाँ देखिए, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का अगर ऑप्टिकल एक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लासिफिकेशन करेंगे तो 2 कैटेगरी, ऑप्टिकली एक्टिव एंड ऑप्टिकली इनएक्टिव, करेक्ट? ये भी तो एक क्लासिफिकेशन का तरीका हो सकता है। दूसरा तरीका पॉइंट ऑफ एरोमेटिसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तब 3 कैटेगरी, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। वैसे ही कार्बोहाइड्रेट का या इवन पॉलीमर आगे जो पढ़ेंगे, पॉलीमर का क्लासिफिकेशन का बहुत तरीका है, 3-4 कैटेगरी है। एक तो सबसे आसान कैटेगरी है आर्टिफिशियल और नेचुरल, आर्टिफिशियल पॉलीमर एंड नेचुरल पॉलीमर। वैसे ही कार्बोहाइड्रेट का भी अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग कैटेगरी बनाया गया है। तो उसमें वन ऑफ द कैटेगरी है कि किसी कार्बोहाइड्रेट का अगर हाइड्रोलिसिस करते हैं तो कितना फ्रैगमेंट में ब्रेक हो सकता है। तो वैसा कार्बोहाइड्रेट जिसका फर्दर हाइड्रोलिसिस नहीं हो सकता है, उसे फर्दर वाटर से ब्रेक नहीं कर सकते हैं। हाँ, उसका कंबसन हो सकता है, ऑब्वियसली कंबसन होगा कार्बोहाइड्रेट का। जैसे हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 इनहेल कर आउट करते हैं, ये है ना हम लोग का, बोलिए भाई, बायो वाले बच्चे, हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, करेक्ट? और छोड़ते क्या हैं? तो भाई कार्बन डाइऑक्साइड कैसे अंदर से बाहर आ रहा है, इसका मतलब अंदर में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा होगा, मतलब कोई चीज़ जल रहा है। सर पता तो नहीं चल रहा है कि जल रहा है, बहुत स्लो कंबसन हो रहा है, ऐसा थोड़ा क्या आग लग जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं। तो इसका मतलब है कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो हम लोग कार्बोहाइड्रेट में खाए हैं उसका स्लो कंबसन होकर हम लोग को एनर्जी मिल रहा है, करेक्ट? जिससे आप डे टू डे डेली लाइफ का रूटीन के लिए आपको एनर्जी मिल रहा है, आप उससे काम चला रहे हैं, करेक्ट है ना? नेक्स्ट, तो एक वन ऑफ द कैटेगरी है कि अगर वैसा कार्बोहाइड्रेट जिसका फर्दर वाटर से हाइड्रोलिसिस नहीं हो सकता है तो उसको हम लोग नाम देते हैं मोनोसेकेराइड्स। आप लोग जानते होंगे बायो वाले स्टूडेंट, करेक्ट? क्या नाम देते हैं स्टूडेंट? लिखवाएंगे मोनोस। लेकिन वैसा कार्बोहाइड्रेट जिसका फर्दर हाइड्रोलिसिस हो सकता है लेकिन 2 से 10 के बीच में ही मेंबर मिलेगा, कहाँ से कहाँ के बीच में? 2 से 10, तो उसको बोलते हैं डाइसेकेराइड्स या ओलिगोसेकेराइड्स, करेक्ट?
और अगर 10 से ज्यादा मिलता है तब उसको बोलते हैं पॉलीसेक्राइड्स, करेक्ट है ना। सेक्राइड का स्पेलिंग क्या है? लिखिए एक लाइन, विच कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज, विच कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज, विच कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज। एग्जाम्पल में क्या रहेगा? ग्लूकोज, फ्रक्टोज एटसेट्रा, जिसका फर्दर हाइड्रोलिसिस पॉसिबल नहीं है। पॉलीगोसेक्राइड्स विच कैन बी हाइड्रोलाइज्ड इनटू मोनोसेक्राइड्स विच कैन बी हाइड्रोलाइज्ड इनटू मोनोसेक्राइड्स बट नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड फ्रॉम 2 to 10, बट नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड्स शुड बी 2 to 10, 2 से 10 के बीच में मोनोसेक्राइड मिल सकता है, ठीक है। विच कैन बी हाइड्रोलाइज इनटू व्हाट? मोनोसेक्राइड्स, बट नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड्स शुड बी लाई बिटवीन 2 to 10, 2 से 10 मेंबर के बीच में, करेक्ट है ना। और उसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल क्या है हम लोग के लिए? सुक्रोज। अगर इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो 2 मेंबर में ब्रेक होता है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। इसका मतलब सुक्रोज इज व्हाट? इट मींस सुक्रोज इज व्हाट? एग्जांपल ऑफ ओलिगोसेक्राइड्स, करेक्ट। बट ग्लूकोज इज एग्जांपल ऑफ मोनोसेक्राइड्स। लिखिए पॉलीसेक्राइड, लिखिए If after hydrolysis, it break into more than 10 monosaccharides, then these are called पॉलीसेक्राइड्स। सबसे बढ़िया एग्जांपल पॉलीसेक्राइड्स का यस। तो अगर सेलुलोज को ब्रेक करते हैं तो किसमें ब्रेक होता है? बहुत सारा ग्लूकोज में, करेक्ट। यहाँ लेकिन एन का मूल्य कितना रहेगा? मोर देन 10। अब यहां देखिए, ध्यान सुनिएगा, ग्लूकोज का फार्मूला क्या है? H12O6। इसमें अगर 12 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट? C72, करेक्ट। 12 है 44 से 144, 12 छक
72, ठीक है 72। तो यहाँ देखिए, यहाँ से ये जो मिला, क्या इसको बोल सकते हैं वन ऑफ द काइंड ऑफ सेल्यूलोज? तो मेरा क्वेश्चन है कि एम्पेरिकल फार्मूला ग्लूकोज का और एम्पेरिकल फार्मूला सेलुलोज का डिफरेंट रहेगा या सेम रहेगा? सेम रहेगा, राइट। इसका मतलब हुआ कि सेलुलोज इज द पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, बोल सकते हैं, ये ऑब्जेक्टिव का भी पूछा हुआ है। कंप्लीट पॉलीमर, कंप्लीट पॉलीमर, लिखिए सेलुलोज इज द पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। अब आपके सामने एक और एग्जांपल लिख रहा हूँ, यहाँ देखिएगा। मान लेते हैं कि ए प्लस बी कंबाइन हुआ और कोई कंपाउंड दिया सी। सब ध्यान सुनना है, ए और बी कंबाइन होकर सी दे रहा है, बट ये जो आपस में कंबाइन होने के टाइम पे कुछ कुछ मॉलिक्यूल सी बनने के, जिसमें आउट नहीं हुआ है, कुछ भी आउट नहीं हुआ, तब इसको आप कंप्लीट बोल सकते हैं कि सी इज कंप्लीट डाइमर ऑफ ए एंड बी। हाँ या ना? सी इज कंप्लीट डाइमर ऑफ ए एंड बी। बट अगर यहां पे दो एग्जांपल है, लाइक डी प्लस ई गिव्स जी और साथ में वाटर भी आउट हो गया, तो क्या जी को कंप्लीट डाइमर ऑफ डी एंड ई बोलेंगे? उसमें से वाटर तो आउट हो गया ना, कंप्लीट डाइमर नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इस, हाँ यहाँ देखिएगा, तो आपको ये भी तो पता है कंडेंसेशन रिएक्शन। क्या था कंडेंसेशन का डिफिनेशन? व्हेन टू बिगर मॉलिक्यूल एसोसिएट एन अ स्मॉलर मॉलिक्यूल लाइक वाटर अमोनिया या अल्कोहल आउट, इज द एग्जाम्पल ऑफ वाट? कंडेंसेशन रिएक्शन, करेक्ट एवरीवन? तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज जब आपस में कंबाइन होता है, ग्लूकोज भी बड़ा मॉलिक्यूल है बल्कि मॉलिक्यूल, फ्रक्टोज भी बल्कि मॉलिक्यूल है, करेक्ट है ना? और ग्लूकोज और फ्रक्टोज जब आपस में कंबाइन होता है तो सुक्रोज प्रोड्यूस करता है, लेकिन साथ में वाटर आउट हो जाता है वहाँ से। तो क्या ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज कंबाइन टुगेदर प्रोड्यूस सुक्रोज इज द एग्जाम्पल ऑफ, क्या हम बोल सकते हैं कंडेंसेशन? ये तो कंडेंसेशन का डिफिनेशन को और भी ज़्यादा सर्टिफाई कर रहा है, टू बल्कि मॉलिक्यूल एसोसिएट एंड अ स्मॉलर मॉलिक्यूल लाइक वाटर आउट, करेक्ट। तो क्या हम लोग सुक्रोज को बोल सकते हैं सुक्रोज इज द डाइमर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज? नहीं बोल सकते ना भाई, वाटर आउट हो गया। इज इट सुक्रोज इज द कंप्लीट डाइमर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, या इट इज द रिजल्ट ऑफ कंडेंसेशन? द कंप्लीट डाइमर का डिफिनेशन क्या बोलना चाह रहे हैं? जिसमें दो कंपाउंड कंबाइन होगा और कुछ वहां से आउट नहीं हुआ, करेक्ट है ना? तो देखिए, C इज द कंप्लीट डाइमर ऑफ ए एंड बी, बट G इज नॉट कंप्लीट डाइमर ऑफ D एंड E। हो गया। अब उसके नीचे एक लिख लीजिए, सुक्रोज इज नॉट द डाइमर ऑफ, सुक्रोज इज नॉट डाइमर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। कोई रीजन पूछेगा तो क्या बोलना है? रीजन रहेगा कि व्हेन, ये आ सकता है थियोरेटिकल क्वेश्चन, व्हेन ग्लूकोज एंड सुक्रोज, सॉरी ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज कंबाइन टुगेदर इट प्रोड्यूस, या कह सकते हैं इट ऑल्सो एलिमिनेट वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। व्हेन ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज कंबाइन टुगेदर प्रोड्यूस सुक्रोज विथ एलिमिनेशन ऑफ वाटर, हेंस इट इज द एग्जाम्पल ऑफ काइंड ऑफ कंडेंसेशन रिएक्शन।
चलिए, एक तो एक तरीका ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए, मोनोसेकेराइड्स, एंड ओलिगोसेकेराइड्स। अब इसका थोड़ा प्रॉपर्टी, ये सब ऑब्जेक्टिव का भी पूछा हुआ है। क्रिस्टलाइन होता है मोनोसेक्राइड्स। ग्लूकोज को अगर हाथ में से देखिएगा तो क्रिस्टल टाइप का मिलेगा, अगर बहुत ध्यान से देखिएगा तो, ठीक है। तो जैसे कैसे नमक मिलता है, राइट, वो कम्प्लीटली एमोर्फस टाइप का है या क्रिस्टलाइन सॉलिड है? NaCl का सॉल्ट क्रिस्टलाइन है, राइट। तो क्रिस्टलाइन रहेगा, और मोनो और ओलिगो वाटर सॉल्युबल होता है, ठीक है ना एवरीवन, वाटर में घुल सकता है। और इसका टेस्ट मीठा रहेगा, शुगर है, ठीक है, करेक्ट। तो यहाँ पे शुगर और नॉन शुगर का मीनिंग यही रहा होगा ना, टेस्ट है। बायो वाले स्टूडेंट, पॉलीसेकेराइड्स, पॉलीसेकेराइड्स जस्ट इसका उल्टा है, एमोर्फस होता है, ठीक है। वाटर इनसॉल्युबल रहता है, ठीक है ना। और ये नॉन शुगर होता है, शुगर या नॉन शुगर, नॉन शुगर। तो यहां तक बातें समझ में आ गया आप लोगों को? चलिए अब यहां पे लिखते हैं डी एंड एल कॉन्फ़िगरेशन। ए आइसोमेरिज्म में पढ़ाया था, शायद आप लोगों को थोड़ा सा याद होगा, याद है कुछ? देखिए, एक मिनट, आज का सबसे बड़ा गलती आपने किया। बाकी लोग बोलिए, ऑनलाइन के बच्चे, इन्होंने सही बोला या गलत बोला? कैपिटल डी और कैपिटल एल को क्या डेक्सट्रो रोटेटरी के लिए, हम डेक्सट्रो रोटेटरी या लेबर रोटेटरी के लिए इंडिकेट किए हैं? स्मॉल डी या स्मॉल एल के लिए किए हैं ना, ऐसा थोड़ा कि मैं गलती से भूल गया और कैपिटल लिख दिया। स्मॉल डी एंड स्मॉल एल स्टैंड फॉर डेक्सट्रो एंड लेबर रोटेटरी, ओके। कैपिटल डी और कैपिटल एल तो जस्ट एक नाम का तरीका था, जिसमें कन्वेंशन था फिशर प्रेजेंटेशन में, करेक्ट है ना। चलिए अब आप ही बताइए, कैपिटल डी और कैपिटल एल कार्बोहाइड्रेट के लिए कैसे डिसाइड करते हैं, और इसका रेफरेंस मॉलिक्यूल क्या था? रिकॉल करो भाई, आपको क्या प्रॉब्लम है, बोलना चाहिए ना। क्लास आइसोमेरिज्म नहीं पढ़े हैं? एकदम बोलना, गलती होने से कोई बात नहीं है, ये बस सोचो कि हाँ सर गलत सुन लेंगे, डांटेंगे, सबसे ऊपर उठ जाओ। ये था मेरा रेफरेंस मॉलिक्यूल जिसका नाम था ग्लिसरल डिहाइड। लिखिए, मतलब यहां से चीजें स्टार्ट हुआ था, करेक्ट। इसमें बोले थे फीसर प्रेजेंटेशन में कीटो ग्रुप या एल्डिहाइड ग्रुप को ऊपर रखने के लिए, कहाँ रखने के लिए, नीचे या ऊपर? ऊपर। और अगर फिशर प्रेजेंटेशन में OH राइट में है, और किसका OH, कायरल सेंटर का, करेक्ट। तो इसको हम लोग क्या नाम दिए थे, डी ग्लिसरल डिहाइड। क्या मैं सही बोल रहा हूं ये? अच्छा, आश्रम में लिए थे या नहीं लिए थे स्टूडेंट? और इसका क्या नाम दिया गया है, अ डी ग्लिसरल डिहाइड अकॉर्डिंग टू माई फिजर प्रेजेंटेशन? बताइए तो, ये इसका कॉन्फिगरेशन आर है या एस है?
किसी का कॉन्फ़िगरेशन आर है तो इज इट कंपलसरी कि वो डेस्ट्रो ही रहेगा या लेबो ही रहेगा? नहीं बोल सकते हैं, इसलिए मैंने क्या बोला था कि जो डी रहेगा, डी कैन बी आर और एस, हाँ या ना? वो तो आर और एस निकालने का कन्वेंशन है, और आर कैन बी डेक्स्ट्रो और लेबो, एंड एस कैन बी डेक्स्ट्रो एंड लेबो, हाँ या ना? असल तो कैपिटल डी और कैपिटल एक नाम लिखने का तरीका है। चलिए यहाँ तक हो गया, लेकिन यहाँ तक चीज़ें आसान था, इसको भी लिख लीजिए, रिवीजन हो जाएगा। सिमिलर फॉर कैपिटल एल, ठीक है? इसका मतलब मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ स्टूडेंट कि ओके, ये तो वन कायरल सेंटर था तो सर हम लोग ये बता पाएंगे, लेकिन जहाँ पे मोर देन वन कायरल सेंटर कार्बोहाइड्रेट के लिए था, तो वहाँ पे जहाँ तक मुझे याद है कि मैंने बोला था कि फारदेस्ट कायरल सेंटर, याद है आप लोग को? फारदेस्ट कायरल सेंटर पे अगर फिशर प्रेजेंटेशन में OH राइट में रहेगा, अब बाकी कायरल सेंटर पे OH कहीं भी रहे, लेफ्ट या राइट नहीं मतलब है, करेक्ट? तो उसको हम लोग नाम दिए थे कैपिटल डी कॉन्फ़िगरेशन। क्या नाम दिया गया था? यही था ना एवरीवन? जहाँ पे एक से ज़्यादा कायरल सेंटर है, समथिंग लाइक दिस, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? एल्डोहेक्सोज, एल्डोहेक्सोज। तो इस एल्डोहेक्सोज का अब दो कैटेगरी बन गया, वन ऑफ द कैटेगरी है जिसमें इसका मतलब किसी भी कार्बोहाइड्रेट का दो कैटेगरी बनेगा ही बनेगा, ठीक है? देखिए जब ऐसी चीज़ों को छुपा के दे रहे हैं तब आपको पता है OH कहाँ है, लेफ्ट और राइट नहीं दिखाए हैं, बट यहाँ देखिए सबसे फार्देस्ट कायरल सेंटर का मैं जानबूझ के OH को राइट में दिखा रहा हूँ, तो बाकी कायरल सेंटर का अगर हाइड करके दे रहे हैं ऐसे, मतलब लेफ्ट में भी हो सकता है राइट में भी हो सकता है, लेफ्ट में भी हो सकता है राइट में भी हो सकता है, लेफ्ट में भी हो सकता है राइट में भी हो सकता है, लेकिन फार्देस्ट कायरल सेंटर 1, 2, 3, 4, 5, एल्डोहेक्सोज का फार्देस्ट कायरल सेंटर कार्बन नंबर 5 में रहेगा, इसका OH अगर राइट में रहेगा, और इसको फिक्स कर दीजिए राइट में रखकर, फ्रीज कर दीजिए, तो इसको फिक्स करते हुए करेक्ट, बाकी इसको कितना तरीके से रोटेट कर चेंज कर सकते हैं? तो एक्चुअल में साथ में यहाँ पे एक साथ ये भी हेडिंग बना ही लेते हैं, स्टीरियो केमिस्ट्री, नहीं ज़्यादा बेटर रहेगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे हाउ मेनी कायरल सेंटर, कायरल सेंटर 4 है, एंड ऑल आर सिमिलर या डिसिमिलर? डिसिमिलर है, ऑल आर क्या है? सी एस स्टार इक्वल टू 4 है, ऑल आर डिसिमिलर। तो ऑप्टिकल आइसोमर इक्वल टू क्या, 2^4 इक्वल टू 16 लिख सकते हैं? इसका मतलब टोटल कितना, टोटल हाउ ए ऑब्जेक्टिव आएगा, कितना छोटा छोटा ऑब्जेक्टिव छोड़कर नहीं आना है, हाउ मेनी टोटल एल्डोहेक्सोज, करेक्ट आंसर 16, करेक्ट आंसर क्या है 16, करेक्ट। लेकिन इस 16 में से ये पूछा जाएगा आउट ऑफ 16 एल्डोहेक्सोज हाउ मेनी कैपिटल डी, तो देखिए इसको अगर फिक्स कर दिए और इसको चेंज करेंगे तो कितना तरीके से चेंज कर सकते हैं, 8 तरीके से, हाँ या ना? इसका मतलब है डी एक कौन सा रहेगा, डी एल्डोहेक्सोज, राइट? एंड टोटल डी एल्डोहेक्सोज इक्वल टू व्हाट, 8 रहेगा, करेक्ट? सही मैंने बोला? ये सब ऑब्जेक्टिव आएगा तो डायरेक्ट बन जाएगा। और किसी को भी कुछ भी डाउट रहे तो पूछते रहिए। इसको OH को राइट में फिक्स कर दीजिए,
तो बाकी इसको OH को लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट करने का कितना कम्बिनेशन बनेगा इन तीनों को? इसको OH को राइट में रखते हुए इसको चेंज नहीं करना है, इन तीनों को चेंज करने का कितना तरीका हो सकता है? ऐसा तो हम लोग पढ़े थे भाई, सीस ट्रांस याद है आपको? तीन डबल बॉन्ड था तो ज्योमेट्री क्लास में कितना कॉम्बिनेशन बनता था, क्या 8 से ज्यादा बन पाया था? शहबाज ये तो बहुत दिन पहले की बात नहीं है, इसका मैक्सिमम तीन डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड ए है, एक डबल बॉन्ड ए है, और सब ऑल आर एक्टिव। इसके बाद सीस ट्रांस हो सकता है, इसके बाद सीस ट्रांस, इसके बाद सीस ट्रांस। फार्मूला तो लास्ट में दिए ही थे, पर बोले थे कि अगर फार्मूला से पहले अगर इसका कम्बिनेशन निकालना रहेगा तो हम लोग ऐसे सीस इसका सीस इसका सीस ऐसा लिए थे ना एक, तो इस तरीके से 6 8 से ज़्यादा बन पा रहा था क्या? तो वैसे ही इसका लेफ्ट और राइट करना है, इसका भी लेफ्ट और राइट, इसका लेफ्ट और राइट। तो अगर लेफ्ट राइट OH को लेफ्ट राइट करना है तो मैक्सिमम कितना कॉम्बिनेशन बन सकता है? 8 से ज़्यादा तो बनेगा नहीं, और इसको फिक्स करना है, दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे 8 बोला, करेक्ट? अब फिर से फार्देस्ट कायरल सेंटर का OH को लेफ्ट मिला के फिक्स कर दीजिए, फिक्स्ड। और इन तीनों को चेंज कर सकते हैं, उसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं है। तो कितना कॉम्बिनेशन बन सकता है इसको लेफ्ट में रखते हुए, इसको लेफ्ट में फिक्स करते हुए? 8 बन सकता है। तो एल एल्डो हेक्सोज में कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, करेक्ट है ना? सही है। इसका मतलब यहाँ से, अच्छा इस लाइन को आप लोग लिख लीजिएगा, इफ मोर देन वन कायरल सेंटर, जो लोग भूल गए उनके लिए, इफ मोर देन वन कायरल सेंटर देन ऑन फिशर प्रेजेंटेशन, इफ ऑन फार्देस्ट कायरल सेंटर OH ऑन राइट हैंड साइड देन इट इज कॉल्ड कैपिटल डी, एंड इफ लेफ्ट हैंड साइड देन इट इज कॉल्ड कैपिटल एल। कहाँ तक हो गया? क्या यहां से एक बात हम लोग ऑब्जर्व कर पाए, जितना भी कार्बोहाइड्रेट बनेगा उसमें हाफ ऑफ देम कैपिटल डी रहेगा और हाफ ऑफ देम कैपिटल एल रहेगा। यहां पे देख रहे हैं 16 में से 8 क्या है? कैपिटल डी, और 8 क्या है? कैपिटल एल। एक लाइन लिख लीजिए, लेकिन प्रोवाइडेड वहाँ पे कायरलिटी हो तो क्या हो? कायरलिटी, क्योंकि कायरल सेंटर से रिलेटेड बात है नहीं, तो मोटा मोटी जो हम लोग सिलेबस में उसमें कायरल सेंटर रहेगा ही। इन ऑल कार्बोहाइड्रेट हाफ ऑफ देम इज कैपिटल डी एंड हाफ ऑफ देम इज कैपिटल एल। जीओसी में अभी आपको कहाँ तक रिवीजन करने के लिए दिया हूँ? मतलब एसीटी बेस आइसोमिजम छोड़कर, ठीक है, नेक्स्ट दूंगा आइसोमिजम पूरा, फिर एक बार दूंगा रिएक्शन मैकेनिज्म पूरा, करेक्ट? ऐसे तोड़ तोड़ कर। लेकिन ऑर्गेनिक का रिवीजन बहुत फास्ट कीजिए, ऑर्गेनिक रिवीजन में आपको कुछ भी बाकी नहीं करना है, बाद में प्रॉब्लम डिस्कशन मैं कर दूंगा, प्रॉब्लम डिस्कशन का पार्ट मेरे ऊपर छोड़ दीजिए ऑर्गेनिक का। अभी मेरा सफिशियंट टाइम है, मैं ले लूँगा, प्रॉब्लम डिस्कशन में टाइम नहीं लगेगा। खास आपका आपका क्वेश्चन बैंक तो 10 दिन के अंदर कवर हो जाएगा, 10 क्लास काफ़ी है उसका, ओनली 10 क्लासेस। जितना क्वेश्चन बैंक है ना JEE Main का पिछले 40 ईयर्स का, उसके लिए मेरे 10 दिन भी ज़्यादा बोल दिया हूँ। जियो से तो 2 क्लास काफ़ी है जितना मुझे जियो, लेकिन अच्छा प्रॉब्लम है। हाँ
भाई आईआईटी का, एक मिनट, आईआईटी का जेई मेन का क्वेश्चन बैंक करा दूंगा तो मेडिकल का आपको क्लियर नहीं हो जाएगा? उससे ऊपर तो उसमें क्वेश्चन रहेगा नहीं। हाँ मेडिकल का जो भी डाउट है आप आते हैं ना, ऑर्गेनिक का क्वेश्चन कभी भी आप आते हैं यहाँ पे लेकर आइए। फिजिकल केमिस्ट्री में थोड़ा न्यूक्लियर में मुझे टाइम भी लगता है, ऑर्गेनिक में कितना टाइम लगेगा? आपका डाउट अगर 5 भी 10 भी रहेगा तो मेरे लिए 5 मिनट काफ़ी है, ठीक है? लेकिन फिर भी मेडिकल का भी डाउट क्लियर कर देंगे। क्वेश्चन बैंक बना के रेडी रखिए, सर्किल करके रखिए, ठीक है? जितना भी डाउट ऑर्गेनिक में आता है सारा सर्किल करके रखिए। उसके पीछे का वजह है कि कल ही मैं देख रहा था नीट का जो क्वेश्चन बैंक है ना चैप्टर वाइज, भाई सबसे पहला बात यह है, यहाँ देखिए एक क्वेश्चन वो लोग सेट करके दिए थे, ध्यान से देखिएगा। और क्वेश्चन पूछे टोटल आइसोमर, बोले तो टोटल आइसोमर, तो टोटल आइसोमर में आप क्या सोचिएगा? इट्स ओनली अ स्ट्रक्चरल, ऐसा एक क्वेश्चन दिया था ना आई एम आइंस का जिसमें आंसर 5 था। टोटल स्ट्रक्चर सोचेंगे, उसमें ऑप्टिकल रहेगा तो उसको भी काउंट करेंगे, ठीक है? अब उन्होंने सबसे पहले ये दे दिया और आंसर दे रहे हैं 7। इसका आंसर कम से कम मोर देन 20 होगा, तो एक्चुअली उनको क्वेश्चन देना था ए C4H9OH, और उसमें भी इसमें बोलना था स्ट्रक्चरल, क्या बोलना था? स्ट्रक्चरल, तब इसका आंसर 7 होगा। बोले क्यों? इसका अरे ए रहेगा तो UF0 रहेगा, क्योंकि 10 हाइड्रोजन हो गया, और जब UF0 रहेगा तो ओनली अल्कोहल और इथर रहेगा, हाँ या ना? ये नीट का क्वेश्चन बैंक का कमाल बता रहा हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे OH रहेगा, यहाँ पे OH रहेगा, यहाँ पे OH रहेगा और यहाँ पे OH रहेगा। कितना अल्कोहल मिला? 4, बट एक में कायरल सेंटर भी है। तो अगर टोटल आइसोमर पूछेंगे तो इसको एक के बदले 2 काउंट करेंगे, एग्री ना? एक के बदले एक ही काउंट करेंगे या 2 काउंट करेंगे? अब इथर, इसलिए क्वेश्चन भी भाई सही से सेट करना पड़ेगा। और क्वेश्चन का लैंग्वेज, टीचर क्वेश्चन अगर पूछ रहे हैं तो क्वेश्चन का ईथर 2 रहेगा, करेक्ट है ना? और भी कोई? हाँ एक और ईथर रहेगा भाई, तो ईथर कितना मिला? 3, और एक कितना मिला? 4। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर होगा 7, क्या होगा? 7, करेक्ट है ना? तो अगर स्ट्रक्चरल है तो बोलना पड़ेगा ना कि फाइंड आउट टोटल स्ट्रक्चरल। देखिए मैं क्वेश्चन जब प्रैक्टिस करवा रहा था स्ट्रक्चर वाइज स्ट्रक्चर वाइज स्ट्रक्चर वाइज बोल रहा था, राइट? अगर तो वो लोग सोचा अच्छा स्ट्रक्चर टर्म ही तो है, छोड़ देते हैं, भाई आसमान में इनका डिफरेंस हो जाएगा। टोटल आइसोमर बोलेंगे स्टूडेंट क्या सोचेगा? टोटल आइसोमर। स्ट्रक्चर आइसोमर बोलेंगे स्टूडेंट क्या सोचेगा? स्ट्रक्चर आइसोमर, उसमें स्टूडियो कमेंट्री नहीं सोचेगा, करेक्ट? तो अगर टोटल आइसोमर का आंसर क्या होगा? 8। स्ट्रक्चरल आंसरों का आइसोमर का आंसर क्या होगा? 7। बट इसमें उन्होंने एक क्वेश्चन दे दिया, तो इसमें UF1 है। अब UF1 है तो भाई यहाँ पे इतना सारा कहानी हो जाएगा, अल्डिहाइड भी हो जाएगा, कीटोन भी होगा, इनॉल भी होगा, डबल बॉन्ड OH, और ईथर भी रहेगा डबल बॉन्ड के साथ, फिर होमोसाइक्लिक रहेगा, हेट्रोसाइक्लिक रहेगा, साइक्लिक ईथर भी रहेगा। इस तरीके से इसका मोर देन 20 रहेगा। बिकॉज एक क्वेश्चन में आपको दिखेगा, मेरा नोटबुक जब रिवीजन कीजिएगा, ए लिया था C3H6O, इसमें ही 9 आ गया था, एल्डिहाइड कीटोन इनॉल सब कंसिडर करते हुए, ठीक है? इसलिए जब नीट का क्वेश्चन बैंक बनाते हैं तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिएगा, आंसर गलत होगा तो ऐसा नहीं कि आप गलत हो गए, और आंसर मिलाना जो होता ना कि नहीं गलत हो गया तो आंसर भिड़ा देते हैं, मिला देते हैं अपने आप को रॉन्ग करके, ऐसा मत कीजिएगा, उसको सर्किल कर दीजिए। इसका मतलब है कि कार्बोहाइड्रेट का 2 सीरीज हो गया एवरीवन, कौन कौन सा सीरीज? डी सीरीज एंड एल सीरीज हो गया। अब यहां देखिएगा, ध्यान से देखिए,
एक ट्रिक दे रहा हूँ, ये आपको काम में आएगा। डी के बाद अगर नाम सेम रहता है और एल के बाद भी अगर नाम सेम मिलता है, ठीक है एवरीवन? डी कैपिटल डी और कैपिटल एल के बाद अगर नाम सेम रहता है तो ये कार्बोहाइड्रेट में आपस में इनंसियोमर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इनंसियोमर, मतलब बोथ आर व्हाट? एक दूसरे का मिरर इमेज। बट कैसा? सुपर या नॉन सुपर इम्पोजेबल? लिख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, मतलब इस तो यहां से अब दो बात हो गया। ओके, ग्लूकोज का भी दो नाम रहेगा, डी ग्लूकोज और कौन सा? एल ग्लूकोज। और डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज एक दूसरे का क्या रहेगा भाई? इनंसियोमर ऑफ ईच अदर, करेक्ट? बोथ आर इनंसियोमर्स। इसका मतलब है कि अगर वन ऑफ देम इज डेक्स्ट्रो देन अदर मस्ट बी लेवो प्रोवाइडेड वेवलेंथ एंड टेम्परेचर इज कीपिंग कॉन्स्टेंट। ठीक है, वन ऑफ देम इज डेक्स्ट्रो तो दूसरा क्या रहेगा? लेबोरेटरी। तो याद रहेगा डी और एल के बाद अगर नाम सेम है, कैपिटल डी और कैपिटल एल के बाद, दोनों का आपस में क्या होगा आज के बाद? इनंसियोमर कहलाएगा। चलिए अब लिखिए। अच्छा बताइए यहाँ से फायदा क्या होगा, ध्यान से लिखिएगा। अगर डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बता दे तो क्या एल ग्लूकोज का स्ट्रक्चर मुझे लिखने का रिक्वायरमेंट है? आप खुद लिख लेंगे। जस्ट इसके सामने डी ग्लूकोज का अगर फिशर प्रेजेंटेशन में स्ट्रक्चर बता दें तो एल ग्लूकोज का फिशर प्रेजेंटेशन लिख लेगा जस्ट इसका मिरर इमेज लेकर? हो जाएगा ना। अब हेडिंग बनाएंगे स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज यहां देखिएगा। यहां देखिए एवरीवन, कार्बन नंबर थर्ड कौन है? ध्यान सुनेगा मैं क्या बोल रहा हूँ। एल्डोहेक्सोज में ध्यान सुनेगा। अब यहाँ पे आपको ये बातें ज़्यादा क्लियर होगा। अभी तक आप करेक्ट थे जब भी बोलते थे C6H12O6 किसका फार्मूला? ग्लूकोज। बोले यही बोलते थे ना, C6H12O6 में किसका फार्मूला? तो बाकी हम लोग जानते नहीं थे तो ग्लूकोज बोलते थे कि क्योंकि ग्लूकोज का भी फार्मूला है। बट इन्हें लगे मोर जनरलाइज वर्सन इज एल्डोहेक्सोज या एल्डो कीटोज, कीटो फ्रक्टोज का भी यही फार्मूला होता है। ठीक है, इसका मतलब है कि हाउ मनी एल्डोहेक्सोज? 16। हाउ मनी एल्डोहेक्सोज? 16 एल्डोहेक्सोज है, उसमें दो ही ग्लूकोज है, बाकी कोई और कुछ कुछ कंपाउंड है, माल्टोज रहा होगा, कुछ और रहा होगा, करेक्ट? या नहीं तो फिर पूरा अगर लिस्ट देखना चाहते हैं तो वो आपके सिलेबस में है नहीं, इसलिए उसमें ज़्यादा एनर्जी वेस्ट मत कीजिएगा। बट खुद के कॉन्फिडेंस के लिए गूगल कर लीजिएगा नेम ऑफ द टोटल एल्डोहेक्सोज, तो 16 का नाम आ जाएगा। 16 में से दो ही है ग्लूकोज, बाकी दूसरा दूसरा कंपाउंड है, करेक्ट है ना? समझे नहीं समझे एवरीवन? तो नेक्स्ट है कि सर आउट ऑफ 16 दो ग्लूकोज है तो दो ग्लूकोज का कैसे पहचानेंगे? तो कार्बन नंबर थर्ड पे 1 2 3 कार्बन नंबर थर्ड पे फिशर प्रेजेंटेशन में अगर OH लेफ्ट में, अब बाकी कायरल कार्बन पे थर्ड कार्बन को छोड़कर बाकी पे अगर राइट में रहेगा तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ डी ग्लूकोज, कैपिटल डी ग्लूकोज।
तो सर डी क्यों बोल, कैपिटल डी क्यों बोल दिया? तो जो कैपिटल डी वाला जो डिफरेंशियल था उसको सर्टिफाई कर दिया है, लास्ट कार्बन पर अगर राइट रहेगा और बाकी पे किधर भी रहे उसको डी कॉन्फिगरेशन बोलते हैं, राइट। तो क्या इसको एक लाइन लिख लिया जाए? क्या ऐसे लिख लीजिएगा जैसे मैं बोल रहा हूँ, एल्डो हेक्सोज में का फ्यूजन प्रेजेंटेशन में इफ ऑन कार्बन नंबर थर्ड OH ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड रेस्ट ऑन कार्बन काइरल कार्बन OH ऑन राइट हैंड साइड देन दिस इज एग्जांपल ऑफ कैपिटल डी ग्लूकोज, इज इट राइट? मैंने जो बोला उसको लिख पाएंगे आप लोग? तो पूरे डिफरेंस में डी वाला कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गया, इसलिए इसको कैपिटल डी बोल रहे हैं, ठीक है ना? और साथ में ये भी लिख लीजिए, आउट ऑफ 16 एल्डो हेक्सोज ओनली 2 इज ग्लूकोज, आउट ऑफ 16 एल्डो हेक्सोज ओनली 2 इज ग्लूकोज, ठीक है ना? और यहाँ देखिए, ऐसा नहीं कि मुझे नहीं पता है, ऐसे बोलिएगा ग्लूकोज कितना है तो उसको अलग अलग कैटेगराइज करके ऐसे बोलते हैं। ओपन चेन स्ट्रक्चर में 2 ग्लूकोज होता है, साइक्लिक स्ट्रक्चर में 4 ग्लूकोज होता है, ठीक है ना एवरीवन? तभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बोलिए भाई, कभी बायो वाले बच्चे तो हाँ ना कुछ बोलिए, हाँ ना बोलते हैं ना ना बोलते हैं, क्या ग्लूकोज का कार्बोहाइड्रेट नहीं पढ़े अभी तक आप लोग? तो बोलना चाहिए हाँ या ना, साइक्लिक स्ट्रक्चर में ग्लूकोज का कितना होता है जानते हैं? कितना होता है? चार होता है, अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी अल्फा एल ग्लूकोज और बीटा एल ग्लूकोज, दे आर 4 साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, इज इट राइट? जिसको हम लोग ग्लूकोपाइरानोज भी बोलते हैं, ठीक है? इसी में तो हम लोग को पढ़ना हैवर्थ प्रेजेंटेशन, और हैवर्थ प्रेजेंटेशन डायरेक्ट एडवांस में कभी प्रेजेंट करने के लिए सब्जेक्टिव एग्जाम जब होता था तो पूछ लिया गया 2013 में। सिर्फ हैवर्थ प्रेजेंटेशन ड्रॉ करने के लिए। एनीवे, तो ये हम लोग पढ़ देख रहे हैं अभी कौन सा, ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। तो अगर आप डी ग्लूकोज का भी याद रखते हैं तब इसका जस्ट मिरर इमेज ले लीजिए, थर्ड कार्बन पे कहाँ रहेगा भाई? राइट में, अब बाकी कार्बन पे कहाँ हो जाएगा? लेफ्ट में हो जाएगा, नहीं एल ग्लूकोज। तो एग्जाम तक नहीं भूलना है, डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज का स्ट्रक्चर याद रहेगा कैसे? ओपन चेन स्ट्रक्चर में अगर सर कार्बन एल्डो हेक्सो जो 16 है उसमें से अगर थर्ड कार्बन पे OH अगर राइट में अब लेफ्ट में और बाकी पे राइट पे तो डी ग्लूकोज। इसका सर डी ग्लूकोज याद होता है, हमको एल ग्लूकोज याद करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, उसका मिरर इमेज हम लोग ड्रॉ कर लेंगे एग्जाम में, ठीक है? अब लिखिए साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। इसको हटाएं, थोड़ा जगह चाहिए मुझे। ये हो गया यहां तक एवरीवन?
चलिए लास्ट कार्बन, एक कौन सा कार्बन है और हाइड्रोजन वाइज sp2, और sp2 है तो ए ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन और एक कार्बन डायरेक्टली जो अटैच रहेगा सेम प्लेन में, करेक्ट। लेकिन अगर sp2 से sp3 होगा, अगर मान लेते हैं कि रिएक्शन में sp2 से sp3 एक कार्बन हो गया, तो इससे अटैच जो डायरेक्टली अटैच sp2 से sp3 होगा, और अगर बॉन्ड बनाए हुए हैं, चार बॉन्ड बना, तो इज इट कंपल्सरी चारों बॉन्ड से अटैच डायरेक्टली अटैच एटम सेम प्लेन में रहेगा या टेट्राहेड्रल अरेंज हो जाएगा? टेट्राहेड्रल अरेंज होगा। तो उस केस में यह AH ऊपर रहेगा प्लेन का या नीचे रहेगा, या दोनों संभावना है, दोनों पॉसिबिलिटी है? बोलिए बोलिए, दोनों पॉसिबिलिटी है, करेक्ट। तो ये मैंने कौन सा स्ट्रक्चर लेकर चला, डी ग्लूकोज, और डी ग्लूकोज में लास्ट कायरल कार्बन, लास्ट कार्बन नहीं बोल रहा, लास्ट कायरल कार्बन का ऑक्सीजन का लोन पेयर से यहां पे अटैक कीजिए। मैंने किस कार्बन से अटैक किया, किस कहां से अटैक किया, ऑक्सीजन के लोन पेयर से, इस पे अटैक किया, करेक्ट। तो यहां पे ओपन होकर क्या होगा, ओ माइनस, इस पे क्या डेवलप होगा, पॉजिटिव चार्ज, उस पॉजिटिव चार्ज को रिलीज करने के लिए क्या यहां से रिलीज होगा, एच प्लस, ओ एच प्लस, इसको दे दीजिए, करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां से जो बनेगा इससे कुछ आउट नहीं किए हैं, कुछ आउट हुआ है, यहां का यहां चला गया है, तो फॉर्मूला तो अभी वही है। तो यहां से जो बनेगा वो रहेगा साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ डी ग्लूकोज, बोलिए, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ, अब आप ही से, हाउ मेनी साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ डी ग्लूकोज आर पॉसिबल, हाउ मेनी साइक्लिक डी ग्लूकोज आर पॉसिबल, अब दो रहेगा। वजह सर, ये बन गया कायरल कार्बन, बाकी इन सब पे कोई फर्क पड़ा, इस ओएच का, इस ऑक्सीजन का कॉन्फिगरेशन चेंज नहीं होगा, इसका ए बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ है। ये आइसोमेरिज्म में पढ़ाया था कि किसी कायरल कार्बन से डायरेक्टली अटैच चार बॉन्ड अगर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन अगर ब्रेक नहीं होता है तो उसका कॉन्फिगरेशन रिटेन्ड रहता है, राइट। तो ए बॉन्ड तो ब्रेक हुआ नहीं है, इसलिए इस कार्बन का कॉन्फिगरेशन रिटेन्ड रहेगा, इसका कॉन्फिडेंस रिटर्न रहेगा, इसका भी रिटर्न रहेगा, इसका भी रिटर्न रहेगा, बट एक नया कायरल कार्बन बन गया, और ये नया कायरल कार्बन बनने जा रहा है, हाँ या ना, देख लीजिए दिमाग में दौड़ाइए, ये OH बन रहा है, AH बन रहा है, इधर से एक बॉन्ड बन रहा है कायरल कार्बन, तो इस कायरल कार्बन का के कारण दो कंपाउंड नजर आएगा, जिसमें एक OH प्लेन के ऊपर रहेगा, एक OH प्लेन के नीचे रहेगा। कहने का सेंस है OH लेफ्ट में भी रह सकता है और राइट में भी रह सकता है, इज इट राइट। एल्डिहाइड कार्बन है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना है कि बोथ आर द व्हाट, बोथ आर द एग्जांपल ऑफ साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ डी ग्लूकोज, डी ग्लूकोज से ही आ रहा है, बट साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ डी ग्लूकोज में अगर एल्डिहाइड कार्बन से अटैच OH राइट में रहेगा, किस में रहेगा, राइट में, तो उसको बोलते हैं अल्फा, क्या बोलते हैं, अल्फा, किसका OH, क्योंकि बाकी का तो जैसे है वैसे ही रह गया है, तो इस कार्बन का अगर OH राइट में रहेगा तो बोलेंगे अल्फा, लास्ट पूरा नाम अल्फा डी ग्लूकोज, करेक्ट। इसको लिख लीजिए, बाद में भूल जाइएगा, ऐसे लिखे, ये पूरा दोनों प्लेयर स्ट्रक्चर लिखिए, फिर मैं लिखवा दूंगा।
लिखे स्ट्रक्चर ड्रॉ हो गया एवरीवन। लिखे इनसाइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ डी ग्लूकोज, इनसाइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ डी ग्लूकोज इफ ओएच ऑफ एल्डिहाइडिक कार्बन, समझ रहे कौन सा एल्डिहाइडिक कार्बन है, इफ ओएच ऑफ एल्डिहाइडिक कार्बन मतलब यहाँ पे एल्डिहाइड बना हुआ नहीं लेकिन ये कार्बन तो था एल्डिहाइडिक कार्बन, इफ ओएच ऑफ एल्डिहाइडिक कार्बन ऑन राइट हैंड साइड देन इट इज कॉल्ड अल्फा डी ग्लूकोज एंड इफ ऑन लेफ्ट हैंड साइड देन इट इज कॉल्ड बीटा डी ग्लूकोज। यहाँ तक हो गया है? चलिए भाई अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज आर इनंस्यूमर डायस्ट्रियोमर एनोमर्स एपीमर्स हेमीएसिटल एसिटल हेमिकेटल केटल। इतना सारे बात में कौन कौन सा बात सही है और कौन कौन सा बात गलत है, देखिए और बताइए। तो ये हेमी एसिटल कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है सर, कर रहा है वैसा कार्बन जिस कार्बन पे वन ओ एच फॉर वन, यहाँ देखिएगा, यहाँ देखिए सब लोग देख रहे हैं ऑनलाइन के स्टूडेंट, वैसा कार्बन जिस पे वन ओ एच और वन ओ आर हो और उस कार्बन पे एटलीस्ट अगर वन एच हो मतलब वो एल्डिहाइड से आया है, इसका मतलब सर हेमी एसिटल है लेकिन एसिटल नहीं है, हेमी केटल नहीं है, केटल नहीं है। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज को क्या हम लोग इनंसियोमर बोलेंगे? एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं है भाई, देख लीजिए ध्यान से। फर्स्ट कायरल कार्बन पे तो जस्ट अपोजिट कॉन्फिगरेशन, बाकी पे क्या जस्ट अपोजिट है? नहीं है तो इनंसियोमर नहीं है। तो वैसा दो ऑप्टिकली आइसोमर जो आपस में इनंसियोमर नहीं है बट डिफरेंट कंपाउंड है तो एक ही बचा डाइस्टीरियोमर, मतलब डाइस्टीरियोमर है, राइट? यहाँ तक क्लियर है? अब उसमें बोलेंगे सर आपने तो बोला था कि दो के बाद नाम से मेरा है, तो मैं बोला था डी और एल के बाद, क्या बोला था? डी और डी में नहीं बोला था, ठीक है ना? डी और एल के बाद नाम अगर सेम रहेगा तो उसको बोलते हैं इनंसियोमर, ये नहीं बोलता कि डी और डी के बाद नाम सेम रहेगा इनंसियोमर बोलना है। अब आपको आइसोमर में एनोमर्स और इपीमर्स पढ़ाया था, सबसे पहले एक ही क्वेश्चन करते थे, पढ़ाया था या नहीं पढ़ाया था? पढ़ाया था। तो एनोमर्स का क्या डिफिनेशन था?
मैं नहीं, ये नहीं बोला था भाई, पहला ही लाइन था, एनोमर्स आर दो डाइस्टीरियोमर्स, एनोमर्स इनेंसियोमर्स नहीं हो सकता है, एनोमर्स आर दो डाइस्टीरियोमर्स ऑन इन विच कॉन ओनली ऑन फर्स्ट कायरल, ओनली ऑन फर्स्ट कायरल सेंटर कॉन्फिगरेशन आर डिफरेंट, बाकी ऑन रेस्ट कायरल सेंटर कॉन्फिगरेशन आर सेम। एक ही कायरल सेंटर पर डिफरेंट होना चाहिए वो फर्स्ट कायरल सेंटर, तो उसको हम लोग शायद एनोमर्स बोले थे, इज इट राइट? और बोले थे ऑल एनोम एपिमर्स का क्या था, कि वो भी डाइस्टेरोमर है आपस में, लेकिन एक कायरल सेंटर पर डिफर करेगा, वो कोई भी कायरल सेंटर हो सकता है, राइट? फर्स्ट या सेकेंड या थर्ड, एनी वन। यहां से ही बोले थे ऑल एनोमर्स आर एपिमर्स, बट ऑल एपिमर्स मे और मे नॉट बी एनोमर्स, करेक्ट है ना? तो एनोमर्स है या नहीं है, तो सर है फर्स्ट कायरल, और एनोमर्स है तो एपिमर्स तो पक्का होगा ही होगा। देन नाउ व्हाट इज द कंक्लूजन, अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज आर डाइस्टेरोमर, करेक्ट, एनोमर्स करेक्ट, ईपीमर्स करेक्ट, हेमिसिडल करेक्ट, ठीक है ना? ये डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव आ जाएगा, ये सब ऑब्जेक्टिव कभी पूछा हुआ है, तो अब मिस मत करके आइएगा मेडिकल के बच्चे, समझे? तो क्या यहाँ से नेक्स्ट क्लास स्टार्ट किया जाए? कल क्लास, हाँ होगा क्लास बिल्कुल, कल नहीं लिया था तो थोड़ा सा कुछ हेल्थ इशू था, बट आज क्लास होगा, और आज केमिकल काइनेटिक्स का ऑलमोस्ट ख़त्म करूँगा, ठीक है? थोड़ा बड़ा क्लास लेकर, अतः स्टार्ट करेंगे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, पता है ना इसका इंपॉर्टेंस, अभी तो ट्वेल्थ में आने के बाद पता चल गया होगा। आप लोग की मर्जी है, अगर बोलिएगा तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, देखिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तो बोलिएगा तो, लेकिन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का तो एक टेस्ट लिए थे, उसमें आप लोग मार्क्स अच्छा परफॉर्म किए नहीं हैं, जहाँ तक लिए थे उसका ही प्रॉब्लम दिए थे, तो मुझे लगता है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तब तक एक बार आप रिविजन कर लीजिए, रिविजन जब उसका तो रिविजन का भी दिया भी था आपको रिविजन करने के लिए, रिविजन हो गया है जहाँ तक दिया था? झूठ झूठ मत बोलिएगा मुझे समझाने के लिए, झूठ बोलिएगा तो खुद से बोलना पड़ेगा, एटलीस्ट रिवीजन करके मेरा क्लास असाइनमेंट और क्वेश्चन बैंक लगा लीजिएगा, ठीक है? क्वेश्चन बैंक का एटलीस्ट कम से कम 50 क्वेश्चन है तो 40 भी बना लीजिए, आपका ही जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बचा हुआ है उसके लिए आप टेंशन बेकार ले रहे हैं, वो कुछ बहुत इजी टॉपिक बचा हुआ है, हार्डली 2 क्लास का, ठीक है? और उसमें उसमें आधा से ज़्यादा बात आप जानते हैं, आप कंडक्टेंस नहीं जानते हैं, 1/रेसिस्टेंस होता है, हीट ट्रांसफर में ही तो पढ़ रहे हैं, कंडक्टिविटी नहीं जानते, 1/रेसिस्टिविटी होता है, तो वही चीज़ वहाँ पे कंसंट्रेशन के टर्म में पढ़ाना है मुझे, बट उससे क्वेश्चन आएगा 200% गारंटी, वहाँ से क्वेश्चन आएगा ही, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है कॉर्लस लॉ। मिलते हैं रोटेशन, रोटेशन क्लास कितने बजे है आज? मिलते हैं, हाँ मिस मत कीजिएगा, ओके।